हिम्मत दिलाया, अपने की हौसला दिलाया, उस वास्ते मैं उसी दिन मैं अपने बधाई दिया अपने मनोज झा को। और मैं ये इतना खुश हुआ, तेजस्वी यादव अपने बीच में है, युवा नेता है और पूरा इसमें यशस्वी नेता है। मैं इस दिन अरे एक एक दो दो दिन को एक रास्ते में जा रहा हूँ। परसों मैं अपने केरला गया, केरला गए तो वहाँ के मुस्लिम लीग ने भी पूरी दिल से इसका असमर्थन किया, उसको अपने अपोज किया। वो लोग बोला अपना अगर तेजस्वी यादव यहाँ है तो कोझिकोड में है तो 1,00,000 लोगों के हम महासभा करेंगे, उसको भारत के नेता करेंगे। वैसा फिर भी अपने को मेरा विनती है तेजस्वी, आप पूरा भारत में हर राष्ट्र में घूमना है, हम तैयार करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं, तेलंगाना में करते हैं, 1 और 20 तारीख के और 21, 22 जो भी दिन आपको तैयार है, कोझिकोड में वहाँ पूर्व मंत्री है, आपको पहचानते भी है, उसको आपको रिक्वेस्ट किया है, अगर डेट लिए तो वहाँ बड़ा आंदोलन केरला से साउथ एंड से हुआ हो जाएगा। अभी मैं 11 तारीख को जंतर मंतर पे परमिशन लिया हूँ। मेरा भाइयों, मैं आपको सब बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ, उस दिन हजारों लोगों से पूरा दिल्ली बंद हो जाना, इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर में 11 तारीख फरवरी में जो वोट ऑन बजट चल रहा है, उस दिन वो अपने जो धरना में आपका सब को स्वागत है, हम सब मिलकर वो धरना को सफल करेंगे। अगर साउथ में से 300 लोग आ रहा, मगर नॉर्थ में से कितना होना, 20,000 लोग आना, क्योंकि आप घर वाले हैं, हम बाहर वाले हैं, क्योंकि हमारे आपको हमारे को इनवाइट करके हम घर घर से या महिलाओं से पूरा उसका भर देना चाहिए, तब वो लोगों को आंखें खुल जाएंगा और समझ जाएंगे, वैसा ही आंदोलन पूरा चलाएंगे। मगर इसका मैं जब नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस था, दोनों पार्टियों से मेरे को अनुभव है, भले कांग्रेस सरकार ने मेरे को नियुक्त किया, किए बाद जाटों को ओबीसी में मिलाना बोल के पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मेरे कितना प्रेशर हुआ, जिंदगी में भी कभी भी इतना प्रेशर हुआ, फिर भी जाटों को मैं ओबीसी लिस्ट में नहीं मिलाया, स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट से उसको रिजेक्ट करा, रिजेक्ट करे तो वो सरकार में फिर उसको मिलाए तो, और उसमें बीसी लोगों में सुप्रीम कोर्ट में अगर क्वेश्चन करे तो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का नोटिफिकेशन काट के मेरा कमीशन का रिपोर्ट समर्थन किया, अभी वो लोग सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। वैसा मैं बहुत से मैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट से 2011 जो 2014 तक पूरा खत्म हुआ जनगणना, अभी उसका जो अपने नेता हैं पार्लियामेंट में लड़के वो अपने कास्ट सेंसस कराया, मगर अभी तक क्यों पब्लिश नहीं कर रहा, अभी तक मंडल जी ने रोस्टर के बारे में बोल रहा था, रोस्टर के बारे में मंडल रिपोर्ट में यही है, जो भी एससी एसटी अपने मेरिट में सेलेक्ट हुआ उनमें मेरिट हो जाता, उसका इसके ऊपर कोई भी लेवल नहीं रहता, वो मेरिट ही है। बाद में जो बाद में उसको 50% हर साल पिछड़ी के भी अपने बैकलॉग भी गिनती में नहीं लेना, ये हर एक साल जितना होता उसमें आधा पूरा अपने जो वैकेंसी मैं पूरा रोस्टर माना, पोस्ट बेसिस नहीं है, पूरा वैकेंसी बेसिस बोल के मंडल भी रिकमेंड किया, मैं भी रिकमेंड किया, मगर ये लोग अपने कुनियती से और अपने वेरी क्रूयली अपने यूनिवर्सिटी में बीसीस को एसोसिएट प्रोफेसर को रिजर्वेशन नहीं है, एससी एसटी को है, उस वक्त एक भी बीसी प्रोफेसर नहीं है आज पूरा यूनिवर्सिटी में, और इसका भी सबर भी नहीं सिखाया बीजेपी वालों ने, हार गए बाद भी सबर नहीं सीख लिया, उस वास्ते हम सब मिलके उसको सबर सिखाना चाहिए, उसको सीधा करना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण की समीक्षा करना चाहते थे 2 साल से षड्यंत्र हो रहा था, अपने नागपुर सेंट्रली ओके अपने ये हिंदू राज्य बनाना चाहता है, ये सेक्युलर वर्ड निकालना चाहते हैं, ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, और यही अगर अपन नहीं रोक लिया ये सिविल वार हो जाएगा,
ये भारत में पूरा अपने अलग हो जाएगा और उन्हें नहीं बचेगा और उसका कांदा नहीं बचेगा। उस वास्ते मैं बोल रहा हूँ पूरा, क्योंकि वो लोग क्या हुआ बुद्धि हुआ कांग्रेस वाले को पता नहीं है, बीएसपी एसपी वाले को पता नहीं है। उस वास्ते मैं बहुत बधाई देता हूँ आरजेडी को, आपको, एआईडीएम को, मुस्लिम लीग को और अपने एमआईएम को बधाई देता हूँ। मगर सबसे पूरी दिल से वो लोग वॉकआउट करें, मगर किला में वोट करा एक ही आरजेडी। उस वास्ते आरजेडी अपने भाई है, अपने मित्र पार्टी है, अपन उसको समर्थन करना चाहिए। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।